नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई दो ताजा अपडेट आपके लिए लेके आए। तो क्या है ये दोनों अपडेट, जानने के लिए बने रहे आप इस वीडियो साथ। वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, उनके साथ में शेयर करें और ऐसी लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों इस वीडियो की जो पहली खबर है वो उन सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो कि इन 33 शहरों में रह रहे हैं और खास तौर से डाक विभाग एवं दूर संचार विभाग के कर्मचारी और पेंशनर्स हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो जनवरी 2019 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था सभी चीफ मास्टर ऑफ जनरल और पोस्ट मास्टर जनरल्स को, तो इसके अनुसार अब 33 जो पोस्टल डिस्पेंसरीज हैं उनको CGHS के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो यदि आप इन 33 शहरों में रहते हैं और आप डाक विभाग एवं दूरसंचार विभाग में काम कर रहे हैं, चाहे आप उसके पेंशनर हो या फिर आप सर्विंग एम्प्लॉय हो, तो अब यहाँ पर आपको CGHS का लाभ दिया जाएगा और आपकी जो पोस्टल डिस्पेंसरी है उसको यहाँ पर अब खत्म कर दिया गया है। तो इसके संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से 31 दिसंबर 2018 को एक ऑर्डर जारी किया गया था और इसके अनुसार 33 जो पोस्टल डिस्पेंसरीज हैं उनको CGHS के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो कौन कौन से ऐसे शहर हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर इसमें 33 शहर हैं जिसमें सबसे पहले आता है आपका आगरा, अजमेर, अलीगढ़, अम्बाला, अमृतसर, बरेली, बरहमपुर, छपरा, कटक, दरभंगा, धनबाद, डिब्रूगढ़, गया, गोरखपुर, गुंटूर, जालंधर, जलपाईगुड़ी, जोधपुर, कोटा, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, नेल्लौर, रायपुर, राजमुंद्री, सहारनपुर, सिलचर, सिलगुड़ी, तिरुचिरापल्ली और तिरुचिरापल्ली, वडोदरा, वाराणसी, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम। यदि आप इन 33 शहरों में रह रहे हैं और आप पोस्टल और डाक पोस्टल एम्प्लॉयज हैं और या फिर आप दूरसंचार विभाग के एम्प्लॉयज हैं तो आपके लिए अब ECHS जो तो अब आपको यहाँ पर CGHS का लाभ मिलेगा और आपकी जो पोस्टल डिस्पेंसरीज है उसको यहाँ पर अब मर्ज कर दिया गया है CGHS डिस्पेंसरी के साथ। तो काफी महत्वपूर्ण खबर है, यहाँ पर आप जान लीजिए कि आपका शहर इन लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरी जो खबर है वो जुड़ी हुई है रेलवे एम्प्लॉयज को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नाइट ड्यूटी देने के संबंध में, नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान करने के संबंध में। तो इसके लिए रेलवे बोर्ड की तरफ से 3 जनवरी 2019 को एक लेटर लिखा गया है NFIR के जनरल सेक्रेटरी को और इसमें इन्होंने बताया कि रेलवे एम्प्लॉयज के लिए अभी तक 7th पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है उसकी रेट का फाइन निर्धारण अभी नहीं हो पाया है और मैटर अभी तक DOPT के पास में पेंडिंग है और DOPT इसको एग्जामिन कर रहा है। तो एग्जामिन करने के बाद में अभी तक फाइनल जो रेट है वो फाइनल नहीं हो पाई है। जैसे ही फाइनल रेट फिक्स की जाएगी DOPT के द्वारा, रेलवे कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान उसी रेट के अनुसार किया जाएगा। तो सब अभी तक रेलवे कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस का जो भुगतान है वो 6th वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही किया जा रहा है और जैसे ही DOPT जो नई रेट फिक्स करता है उसके बाद में नाइट ड्यूटी अलाउंस की रेट को भी फिक्स रिवाइज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं दोनों खबरें आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जिससे वो भी इसके बारे में जान सकें और ऐसी लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।